फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र टीचर्स कॉलोनी स्थित धोबी घाट पर रखे कपड़ों पर बीती देर रात किसी ने आग लगा दी, जिसकी जानकारी होते ही देर रात दिवाकर समाज के लोग आ गए। बताया गया आग पर काबू तो पा लिया गया पर कईयों का लाखों का नुकसान हो गया। बताते चले थाना रामगढ़ क्षेत्र टीचर्स कॉलोनी स्थित धोबी घाट पर रखे धोने वाले कपड़ों में बीती देर रात आग लग गई, जिसकी जानकारी होते ही संबंधित लोग भी देर रात ही आ गए और काफी प्रयासों के बाद आग को बुझा लिया गया। मौके पर थाना पुलिस भी पहुंच गई। यहां कई लोगों के कपड़े थे, कई टेंट हाउस के कपड़े थे, पूरी तरीके से जल चुके हैं। मौके पर ही सुबह वार्ड नंबर 10 के पार्षद सोबरन सिंह भी पहुंचे। वहीं मौके पर वार्ड नंबर 34 के पार्षद सत्येंद्र कुमार भी पहुंचे। मौके पर उनका मोहिनी टेंट हाउस है। उनका कहना है, लगभग मेरा 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान था, उसमें संजय फूल वालों के गैलरी कपड़े भी थे, उनका भी 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान है। महावीर टेंट वाले, उनका भी 80 से 90 हज़ार रुपए का कपड़ा बताया गया। अंदाजा लगाया जा रहा लगभग 4 से 5 लाख का नुकसान है। कपड़े धोने वालों का नाम बबलू सोनेलाल, प्रमोद खचेरा, ये लोग कपड़ा धोने का काम करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। जी किस तरीके से यहाँ आग लगी? ये कल रात को अराजकों ने आग लगा दी है। करीब ये हमारे जवाहर समाज के लोग हैं जी, सदियों से करीब 50 साल के लगभग यहाँ चला आ रहा है कार्यक्रम, कभी ऐसा नहीं हुआ, पिछली बार भी एक बार हुआ है, दूसरी घटना है ये। मैं सोबरन सिंह दिवाकर, नगर निगम पार्षद, वार्ड नंबर 10। जब मुझे 8:15 बजे करीब सूचना मिली, सुबह या फिर रात को? सुबह तो मैंने तत्काल मीडिया वालों को अपेक्षा की जाने की निवेदन किया और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। तो मीडिया वाले आए, कहीं गरीब दलित समाज के लोगों की आवाज़ उनने रिकॉर्ड की। करीब करीब 1.5 लाख या 1.5 लाख के लगभग उनका नुकसान हुआ है, जिसमें सभी कपड़े ग्राहकों के हैं। अब हम राइडी से बात की हमारी, तो उन्होंने कहा दिवाकर जी, अब कार्रवाई होगी और जो भी हमें मदद होगी जोर से। विधायक जी ने कहा जो भी मदद होगी वो की जाएगी। भाई साहब किस तरीके से यहाँ आग लगी? आग यहाँ लगी है, कई सालों से यहाँ काम जे धोते हैं कपड़े हमारे जी, टेंट हाउस है हमारा, और जे 15 साल हो गई होने हमें धोते हुए जी। जो कल जो हादसा हुआ है, तो अभी सवेरे जो गए हमारे यहाँ पर, तब हमें पता चला है कैसे आज किसी ने ये जलाया ही है, सेक से जलाया है। लगभग कितना नुकसान होगा इनका? नहीं, हमारा ही सामान होगा 1.5 लाख के करीब, हमारा ज़्यादा था पूरा, कई दिन का जो साल है वो खत्म हुआ, हमने फर्श वगैरह पूरा सामान हमारा। और भी टेंट हाउस का सामान बता रहे हैं, 4-5 लोगों का है। टेंट हाउस का सामान है आपका 1.5 लाख का है इसमें? 1.5 लाख का हमारा ही सामान है, इन्हें खुद मालूम है कितने का सामान होगा। आप पार्षद जी हैं क्या? हाँ। कौन सा वार्ड है आपका? मेरा 34 खारपुटा माध्यम है, मोहनी टेंट हाउस है मेरे। भाई साहब ये आग लगी है कपड़ों में, किस तरीके से लगी है? साहब हम लोग तो कपड़े को मसाला लगा के चले जाते थे यहाँ सर, और रात में ये रात को 12 बजे लगभग आग लगी है, पुलिस ने बुझाई है आपको, और जब हमको मालूम पड़ा हम 12:30 बजे यहाँ पर आए। आग किसने बुझाई है? पुलिस ने बुझाई है। आपको सूचना कब मिली? हमको सूचना मिली है 12 बजे आग लगी है, उसके बाद में 5 मिनट बाद सूचना मिली थी हम लोगों को फोन कर। आप लोग यहाँ कब आए? हम 12:30 बजे आ गए यहाँ पर, रात से यहीं पर हैं। हाँ यार, रात से यहीं पर हम लोग। आंटी किस तरीके से यहाँ आग लगी और कब लगी? रात को 12 बजे आग लगी है भैया। 12 बजे लगी? 12 बजे आग लगी, रात को फोन गया मेरे पास यहाँ से। फोन किसका गया? फोन मोदी नरेंद्र है, लड़का जलाई इधर, उसका 12 बजे फोन किया है, तो तभी आग लगी है। तुरंत हमारे लड़का और हमारे घर से बच्चे आए हैं वहाँ से, यहाँ पे तो पुलिस वाले आग बुझा रहे थे, नहीं बुझी है, फिर उन्होंने आके फिर आप लोगों ने बुझाई है। लगभग कितना नुकसान होगा? नुकसान हुआ करीब, सब अलग अलग है, सभी को अलग अलग है, सभी 4-5-7 लोग हैं, सभी को काम अलग अलग। फिर भी कितना नुकसान होगा? लगभग 1.5-2 लाख का लगभग। 1.5-2 लाख का ये कपड़े आप ही के हैं या फिर? नहीं साहब, कस्टमरों के कपड़े हैं। आप धोने का काम करते हैं, धुलाई का? काम करते हैं, धुलाई का काम करते हैं। टेंट के काम है सारे, टेंट के कपड़े हैं ये सारे। गोदाम की पल्ली है, गोदामों की पल्ली भी है, कुल मिला के सभी के 1.5-2 लाख का नुकसान है। 1.5-2 लाख का नुकसान है।